Hello everyone. So today I'm here to tell you the books which you may prefer during your first year MBBS. So what happened? हमारे पास बहुत सारी books होती हैं, you know, बहुत सारे authors की, कौन सी choose करें कौन सी नहीं करें, it's a big dilemma. तो for that I'm here today. So हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को पहले देखो कि भाई आप कौन से level, मतलब क्या चीज़, कौन सी books comfortable हो आप जिनके साथ और आप पूरे साल उनको पढ़ सकते हो. तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट हमारे पास स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं. स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं जो कि बहुत नोन है, सब फॉलो करते हैं. जैसे कि हम बात करें अनाट में, तो हमारे पास होती है इसमें ग्रॉस अनाटमी. फिजियो में बात करें तो हमारे पास होती है गेनोम, ठीक है. और बायोकेम में बात करें तो हमारे पास इसमें दो होती हैं. तो ये तो बहुत स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो कि आप अगर बहुत ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई करते हो तो आप बहुत ज़्यादा बुक्स बुक्स में हो तो ये पढ़ सकते हो. अब कुछ होता है कि जैसे हम बुक्स कॉलेज में नए नए आते हैं ना, फ्रेंड्स में टाइम लगता है, वहाँ पे फैमिलियर होने से लोगों में उसमें टाइम लगता है. तो आप लोग कुछ बुक्स जो कि थोड़ी बहुत ईजी हैं इनसे, आप वो प्रेफर कर सकते हो. इसमें हमारे पास नेट के लिए आती है BDC विश्राम सिंह. ये दोनों ही बुक्स अच्छी हैं, बट एक डिफरेंस क्या है कि थ्योरी वाइज आई वुड से कि BDC ठीक है, दोनों ही थ्योरी वाइज ठीक है, बट हाँ कंपेरेटिवली में BDC मुझे ज़्यादा समझ आती है. और विश्राम सिंह की बात करें तो इसके डायग्राम्स ईजी बहुत हैं, तो आई वुड से कि BDC ले लो. और विश्राम सिंह का क्या करो कि इसका ना PDF रख लो और उसमें से डायग्राम्स देख लो. फिर फिजियो में हमारे पास आती है गाइडन, ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है बट कंपेरेटिवली गेनोम से बहुत टफ, मतलब ईजी है बहुत सॉरी. तो गेनोम का जहाँ एक पेज घंटा लग जाता है, ये ईजीली हम पढ़ पाते हैं इसके कंपेरिजन के अंदर. दो ये भी एक स्टैंडर्ड बुक है. इसमें ना दो वर्जन है इसके, एक तो इसका इंटरनेशनल आता है और एक इसका आता है साउथ एशियन. तो साउथ एशियन में कुछ चीज़ें हैं जो हटी हुई हैं और इंटरनेशनल में सब कुछ है. तो आप देखो आप कौन सा प्रेफर कर सकते हो. साउथ इंडियन ठीक है, अगर आप साउथ एशियन ठीक है, अच्छी है, मतलब ओके. इसको भी पढ़ने में टाइम लगता है आपको बहुत, और ये भी ठीक है, मतलब है ना. तो साउथ एशियन इज़ कंपेरेटिवली बेटर. फिर हमारे पास बायोकेम की आती है वासुदेवन, ठीक है. ये बुक्स मैं बोलूँगी कि मीडियम लेवल पे हैं और यही बुक्स हैं जो मैं यूज़ करती हूँ एक्चुअली. नो स्टैंडर्ड से कभी कभार रेफरेंस ले लेती हूँ, इनका PDF है बस. ये चीज़ें मैं, ये बुक्स नॉर्मली मैं प्रेफर करती हूँ. ये तो बहुत महंगी भी हैं और इतना टाइम आई डोंट स्टडी मत इतना ज़्यादा. उसके अलावा कुछ बुक्स ऐसी हैं जो आप कि यार एंड में आ गए और अब बस पास होना है, या फिर बहुत ईजी लैंग्वेज के साथ जो बुक है ना, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट जिनके अंदर है, वो बुक्स ऐसी हैं जो आप एंड में 2-3 महीने 4-5 महीने पढ़ो, पढ़ने में जब आपको चाहिए तो आप वो पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ तो आप ये बुक्स ले लोगे. तो इनमें जैसे बुक्स हैं जो मतलब इतनी ईजी नहीं है, बस लैंग्वेज ईजी है, कुछ पॉइंट्स में दे रखा है, तो इसलिए आपको कंपेरेटिवली आप कंफर्टेबल रहते हो इन बुक्स के साथ. जैसे कि अगर हम अनाट में बात करें तो अनाट में तो ये दोनों सेम ही है. इधर भी हम बोलेंगे कि BDC ले लो, विश्राम सिंह ले लो, क्योंकि BDC क्या बहुत बेसिक बुक है आजकल सब, मतलब अनाट के लिए BDC ऑलमोस्ट सबके पास होती ही है, ठीक है. लेकिन जैसे फिजियो की बात करें तो फिजियो में हमारे पास है AK Jain, ठीक है. बट इससे भी एक नॉर्मल बुक होती है सैमुअल इंगम, हाँ. और एक और बुक है जो कि GK Pal. तो ये जो बुक्स है ना एक्चुअली यहाँ आती हैं, मिडल पे आती हैं, मतलब ना तो ये बहुत इजी है ना ये बहुत इतनी इन मतलब BDC सॉरी गाइडन जितनी टफ है. तो एक्चुअली हम यहाँ पे लिख सकते हैं AK Jain और ये जो GK Pal है, हम यहाँ देख सकते हैं इनको, और यहाँ हम सैमुअल इंगम को लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है. और अब लास्ट है बायोकेम की बात, तो इसमें हमारे पास है सत्यनारायण, ठीक है, जो भी है इसके स्पेलिंग. तो क्या होता है कि ये जो बुक्स है ना हमारे पास, ये ऐसी हैं कि लैंग्वेज ईजी है. आई एम नॉट सेइंग सॉरी बेसिक स्पेशली इसकी और इसकी,
आई एम नॉट सेइंग कि बहुत ही ईजी हैं, दो महीने में पास हो जाओगे, ऑब्वियसली पढ़ना पड़ेगा, बट इनकी लैंग्वेज इज़ कंपेरेटिवली ईजियर देन दीज बुक्स. और जो ए के जैन जी के पाल हैं फिजियोलॉजी की, ये समवॉट बिटवीन बोथ ऑफ दीज है. ठीक है, तो अब प्रिफर करो, जैसे कि मैं ये सारी बुक्स लेती हूँ, सारी बुक्स हैं मेरे पास ये. इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाहूँगी कि हर बुक है ना परफेक्ट नहीं है. जैसे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में अच्छा बुक में अच्छा दिया होता है, और किसी और टॉपिक के लिए आपको कोई और बुक प्रेफर करनी पड़ती है. ठीक है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ लेने पड़ते हैं. जैसे कि मैंने, मेरे पास जैसे बीडीसी है, विश्राम का पीडीएफ है मेरे पास, गाइडन जैसे मेरे पास साउथ एशियन है, इंटरनेशनल का पीडीएफ है मेरे पास, बायोकैम में मेरे पास वासुदेवन है, और पीडीएफ मेरे पास इन दोनों का है. ठीक है, ग्रॉस में भी बहुत कम कम कुछ चीज़ें स्पेसिफिकली कभी समझ नहीं आ रही तो मैं इसका देख लेती हूँ कभी कभार. ठीक है, घनोंग तो नहीं देखी मैंने. ठीक है, सो दीज आर द बुक्स विच यू कैन प्रिफर. सो आई वुड लाइक टू शो यू द बुक्स विच आई यूज. दिस इज माई बायोकेमिस्ट्री. दिस वन इज बीडीसी, रेड कलर बुक होती है, लाल बुक बोलते हैं इसको. इसके चार पार्ट्स हैं और एक इसकी छोटी सी हैंडबुक है. आई विल शो यू दैट. ये इसकी छोटी हैंडबुक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. देन आई विल शो यू अनदर माय गाइडन. दिस वन इज गाइडन एंड साउथ एशियन वर्जन इसका है. इंटरनेशनल थोड़ा मोटा है एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट उसमें और होता है, बट इतना ज़्यादा आई डोंट स्टडी. इसके अलावा क्या होता है, हमारे पास एनाटॉमी में दो और चीज़ें हैं, एम्ब्रियो जी, और हमारे पास होती है हिस्टोलॉजी. जनरली बच्चे क्या होते हैं, हिस्टोलॉजी कंपैरेटिवली पढ़ते बहुत कम है एग्ज़ाम के टाइम में, इसमें मतलब कम इसका वेटेज होता है तो इतना पढ़ते नहीं है, बट ठीक है आप ले सकते हो इसको. एम्ब्रोलॉजी को भी आप ले सकते हो. तो इनमें क्या होता है, मैं जो प्रेफर करती हूँ वो है आईबी सिंह, इंद्रबीर सिंह. ठीक है, बेसिक बुक हैं जो जनरली लोग यूज़ करते हैं. विश्राम की भी आती है, विश्राम ईजी है कंपेरेटिवली. आई बी थोड़ी सी टफर, थोड़ा वो डिफरेंस है, ज़्यादा इतना है नहीं. ठीक है, आई विल शो यू माई आई बी. ओके, सो दिस इज माई ह्यूमन एम्ब्रियोलॉजी, इंद्रबीर सिंह. ठीक है, और एक्चुअली आई एम एट माई होम एंड मैंने अपनी हिस्ट्री की बुक जो है वो हॉस्टल में छोड़ दी है. एक और बुक है नेटर्स एटलस, जो नेटर का एटलस है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मतलब आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ रहे हो उससे पहले एक बार नेटर से गो थ्रू हो जाओ. उसके डायग्राम्स बहुत अच्छे ऑयल पेंटिंग से होते हैं, तो बहुत ही क्लियर आ जाता है. कि जैसे कि कुछ पार्ट्स हमारे बीडीसी के अंदर होते हैं कि कि जैसे किसी भी एक ऑर्गन की बात कर रहे हैं तो हम उसमें ना बताते हैं कि इसके एंटीरियर पोर्शन में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, पोस्टीरियर पोर्शन में कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ना लेटरल साइड में कौन सा है, मीडियल लेटरल जो भी है, सुपीरियर जो भी सरफेस है. तो ये क्या है, हम याद करते हैं इनको, रट्टा लगाते हैं. लेकिन अगर हमने एक बार नेटस का एटलस देख लेते हैं तो कंपैरेटिवली हमें ईजी पड़ जाता है. तो एटलस ये बुक्स जो हैं बेसिक, अगर आप हर चीज़ के लिए अलग अलग बुक नहीं लो तो ये बेसिक बुक्स जो हैं, ये इनमें से कोई भी तीन सब्जेक्ट की एक बुक तो ले लो. और उसके साथ आप ऐसा करो कि नेटस का एटलस ले लो. एटलस बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब हर साल ही काम आएगा, नॉट दिस ईयर ओनली. तो ओके, दैट्स इट. दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से. आई होप इट हेल्प यू इन सम वे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.